हेलो दोस्तों, लौंग कैसे हमारे ओरल हेल्थ को बहुत ही बेहतरीन बना के रखता है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है तो लौंग का तेल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आयुर्वेदा में। दोस्तों, मुंह में लौंग रखकर सोने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आज जानेंगे आप। लौंग भारतीय रसोई में मसालों के तौर पर मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला लौंग हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, ये मुंह में लौंग रखने से कई प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं लौंग का इस्तेमाल। लौंग एक ऐसा मसाला है जिसे पूजा पाठ से लेकर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है और सूजन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, सूजन, यहाँ से आप जान सकते हैं कि रात में लौंग का सेवन क्यों। रात के समय मुंह में लौंग रखकर सोने से सेहत को कई बेहिसाब फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि आखिर क्या ये बेहिसाब फायदे हैं, कैसे हमारे मुंह के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, ये सूजन का इलाज करता है। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। रात में सोते समय मुंह में लौंग रखकर या सोने से पहले इसे चबाने से सूजन और दर्द से राहत मिलता है और हमारे गम्स के जितने भी सूजन हुए वो कंट्रोल होता है। भूख कंट्रोल करता है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख लग रही है और आप ओवर ईटिंग के शिकार हो रहे हैं तो रात में सोने के दौरान मुंह में लौंग रखें। इसके फाइबर गुण खाने की क्रेविंग को कम करते हैं, यानी जो आपके खाने की भूख है उसको वो कम करेंगे। खांसी का इलाज भी करते हैं। अगर आप सर्दी खांसी की समस्या से परेशान हैं तो रात में सोने से पहले अपने मुंह में एक लौंग जरूर रखें। लौंग का एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र मजबूत करता है। रात में लौंग का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्या है जो रात में सोने से पहले लौंग का सेवन जरूर करें, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक होगा और डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। स्किन के लिए भी यह फायदेमंद होता है। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत असरदार होते हैं। रात में सोने से पहले लौंग का सेवन करने से एक्ने, इन्फेक्शन आदि से बचाव होता है और हमारा स्किन फ्रेश और तंदुरुस्त दिखता है। दोस्तों, इस बात का भी रखना है ख्याल आपको, अगर आप किसी बीमारी के कारण रात में दवाई लेते हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही लौंग का सेवन करें, नहीं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू हेल्थ टिप्स के साथ। बाय बाय, टेक।